दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज ये शादी वाला व्लॉग है। क्योंकि हमारे गांव में लॉकडाउन के बाद आज पहली शादी है, तो हमें शादी से थोड़ा पहले जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गाँव में जो खाना वाना होता है शादियों में, वो गाँव वाले खुद ही बनाते हैं, बाहर से हलवाइयों को नहीं बुलाया जाता है दोस्तों। तो आज वहाँ बारात आएगी, लड़की की शादी है दोस्तों गाँव में। तो बरातियों के लिए खाना और जितनी भी व्यवस्था है वहाँ पर बैठने की, पूरा मतलब हम ही देखेंगे जितने भी लड़के हैं गाँव के। तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ वहाँ पे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग। तो आज बहुत मज़ा आएगा आपको इस व्लॉग में, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है रसोड़ा जहाँ पे खाना बनेगा। तो गांव में गांव वाले खुद ही खाना बनाते हैं, बाहर से हलवाइयों को नहीं बुलाया जाता है दोस्तों। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई कोई हलवाइयों को भी बुला रहा है बाहर से खाना बनाने के लिए, लेकिन गाँव में पहले से रीति रिवाज है कि गाँव वाले ही खाना बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रसोड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही है चाय के लिए स्नैक्स। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांव में चाय के साथ ज़्यादातर जलेबी और पकौड़ियाँ दी जाती है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही है, क्योंकि बारात अब आने वाली है कुछ ही देर में, तो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है दोस्तों। दोस्तों, चाय रेडी हो चुकी है बारातियों के लिए, और खाना यहाँ पे अभी मसाला बन रहा है, ये मटन के लिए बन रहा है ये मसाला, और दाल वहाँ पे बन रही है, और साथ में चावल। तो ये मटन देख सकते हैं दोस्तों, और ये मसाला है, और यहाँ पे ये दाल अभी उबालने के लिए रखी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पे पूरियाँ बन रही है। तो पूरियाँ शायद से पूजा में कहीं पे काम आती है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी पूरियाँ बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो जितने भी गांव के लड़के होते हैं, सारे कामकाज गांव के लड़के आपस में करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मिलजुल कर। तो गाँव में यही एक मज़ा है शादी में। तो दोस्तों, बस बारात पहुंचने वाली है, तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है बारात के आने की। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया है बैठने के लिए, और आप सभी जाएंगे ऊपर जहाँ पे बारात आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे न्योता लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो भी शादी ब्याह में जितने भी मेहमान आते हैं, तो वो न्योता यहाँ पर लिखवाते हैं। तो दोस्तों, बारात पहुंच चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जितने भी गांव वाले सभी के सभी अभी रोड पे आ रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा बारात नहीं आ रखी है, बस एक बस है, उसमें भी कम ही है बाराती। और आप देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कम ही लोग अलाउड है शादी में, तो उसके चलते। Thank you.
दोस्तों आप ये सफ़ेद कलर में देख रहे होंगे, तो इसे निशान कहा जाता है दोस्तों। तो जब दूल्हा दुल्हन को लेने दुल्हन के घर जाता है तो तब ये सफ़ेद निशान आगे रहती है, और जो ये लाल वाले अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे है, तो जो लाल वाली निशान रहती है वो पीछे रहती है दोस्तों। आप देख सकते हैं वहाँ पे ये रखी हुई है लाल निशान, तो ये पीछे रहती है। और जब दूल्हा अपने घर जाता है वापस दुल्हन को लेके, तो तब लाल वाली निशान आगे रहती है और सफ़ेद वाली निशान पीछे रहती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये सफ़ेद निशान आगे जा रही है, तो बहुत मान्यता है इस निशान की। पहले इसकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद बारात को पैटाया जाता है दुल्हन के घर के लिए। और दोस्तों यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है बारात का गेट पे, और जो भी जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो दूल्हे से रुपए पैसे लेती हैं, मतलब कि रिबन काटने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक रीति रिवाज है, लगभग हर जगह ये होता है दोस्तों। और ये है बारात, और ये बैंड आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप तो बहुत फेमस है गढ़वाल में, अगर आप कभी आओगे गढ़वाल में तो ये ज़रूर सुनना, ज़रूर नाचना, इसमें बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बारातियों को चाय नाश्ता यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय और जो पकौड़ी हमने तैयार की थी वो यहाँ पे दी जा रही है चाय के साथ। तो अभी बारात यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिन का खाना स्टार्ट हो गया है, लंच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो जितनी भी सर्विस है, जो खाना देना होता है, वो गांव के लड़के यहां पे करते हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था यहां पे की गई है बारातियों के लिए बैठने के लिए। दोस्तों दूल्हा दुल्हन अभी फेरों के लिए जा रहे हैं, तो जो यहां पे ये चीड़ की टहनियां लगा रखी है चार, तो इसे वेदी कहते हैं, तो इसी में पूजा की जाती है और सात फेरे इसी के राउंड होते हैं दोस्तों, इसी के चक्कर लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, बहुत बड़ा बहुत बड़ा।
तो दोस्तों बस बारात जाने वाली है अब, तो लड़के क्या करते हैं कि बैंड वाले को एकदम से जाने नहीं देते, बिल्कुल नाचते रहते हैं। तो क्या आप भी करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हम तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि बैंड को बिल्कुल जाने ही नहीं देते हैं। Thank you.